तो दूसरा जो मुकाबला खेला जा रहा है इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में, इसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले मुकाबले में बिल्कुल फेल रहे थे ऋतुराज गायकवाड़, जिसके वजह से ऋतुराज गायकवाड़ को ट्रोल किया गया था। लेकिन जब दूसरा मुकाबला खेला गया और जब टीम इंडिया मुश्किल में थी क्योंकि कप्तान शुभमन गिल जल्द ही आउट हो गए, उस वक्त ऋतुराज गायकवाड़ अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर एक कमाल की सज जारी की। बता दी कि ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में नॉट आउट गए और टीम इंडिया जो कि 234 रन बनाई, दो विकेट खोकर 20 रन। या दोस्तों, यह बेहद ही विशाल स्कोर है। तो वहीं बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ खुद 77 रन बनाए, 77। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज MS धोनी का जो कि बर्थडे भी है, एक तरह से इसे बर्थडे गिफ्ट माना जा रहा है MS धोनी के लिए। तो दोस्तों बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ ने 47 बॉल में 77 रन बनाए, जिनमें एक छक्के थे और 11 चौके थे। 163 का स्ट्राइक रेट था मुश्किल पिच पर, जिस पिच पर 120-130 काफ़ी होता है, वहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ अकेले 77 रन ठोक डाले, जिसे पता चलता है ऋतुराज गायकवाड़ का क्वालिटी। इसके अलावा इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा भी कमाल का परफॉर्मेंस किए, 47 बॉल में ही 100 रन ठोक डाले, और वहीं रिंकू सिंह तो 22 बॉल में 48 रन ठोक डाले। तो दोस्तों, कई भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है सिवाय शुभमन गिल का। तो दोस्तों, आपको यह ऋतुराज गायकवाड़ का परफॉर्मेंस कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।